हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिज्म। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम ईएमआई के बहुत सारे क्वेश्चन, यानी लगभग सारे क्वेश्चन ही कर लिए हैं, अब एक दो क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिज्म का बच गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो उसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एक चैप्टर बचा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको कवर करते हुए कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टेट उसको कवर करके इस सीरीज को हम ख़त्म कर देंगे। तो अब हम इस सीरीज के लास्ट पड़ाव पे हैं, उसके बाद हम फिर 11th वाले पार्ट को कैप्चर करेंगे, जैसे कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, हीट, थर्मो और बाकी पूरा मैकेनिक्स, उसको भी हम कवर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन से इस लेक्चर को। तो इसमें आपको बहुत ही कंटेंटेबल व्यू दिया हुआ है कि आपको निकालना है ए यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। हर बार की तरह वही यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री। हाँ, तो इस बार थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हम क्या किए थे, मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड लिए थे, या तो क्रॉस लिए थे, या नहीं तो क्या ले लिए थे, डॉट ले लिए थे। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, उसको 45 डिग्री का एंगल पे लेंगे। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड एट एंगल दैट इज 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस। PQRS जो आपको दिख रहा है, ये आपको PQRS एक रिजिड है और ये स्क्वायर वायर है। स्क्वायर वायर फ्रेमिंग कैरिंग द करंट आई नोट। अब इसमें जो ये फ्रेम है, ये एक रिजिड वायर है जिसमें जो करंट मूव कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है, वो आई नोट मूव कर रहा है। तो ये आपको दे दिया हुआ है। द फ्रेम इज एट रेस्ट पोजिशन, यानी फ्रेम पहले रुका हुआ है, विथ इट्स साइड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो ध्यान से देखिए, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, जो कि आपको इसलिए दिख रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इस फ्रेम का मास आपको स्मॉल m दिया हुआ है, और इसका लेंथ जो है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट है तो सारा लेंथ सेम होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ l हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है व्हाट इज द टॉर्क अबाउट ओ। तो आपको टॉर्क निकालना है किस पॉइंट के लिए, ओ पॉइंट के लिए। तो व्हाट इज द टॉर्क अबाउट ओ एक्टिंग ऑन द फ्रेम ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा व्हाट इज द एंगल बाय विच द फ्रेम रोटेट, यानी इसमें थोड़ा सा रोटेशन का भी कंसेप्ट है। वैसे रोटेशन का कंसेप्ट है नहीं, कंसेप्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड का ही है, तो उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि पहले तो आपसे पूछा है कि टॉर्क बताइए किस पॉइंट के अबाउट, तो इसके ओरिजिन के अबाउट बताइए। तो टॉर्क हमको ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि What the angle by which frame rotate acting of this torque in short time interval, that is TT. Axis about the rotation occur. तो और आपको लास्ट में आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्जी, मतलब कि इसमें पूरा कंसेप्ट, यानी कि दो कंसेप्ट को मिक्स किया है, रोटेशन का कंसेप्ट को भी मिक्स किया है और थोड़ा सा मैग्नेटिज्म का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट को मिक्स। लास्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द फ्रेम अबाउट एन एक्सिस इट्स सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 4/3। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको दे दिया हुआ है, यानी कि रोटेशन अगर आप नहीं भी पढ़ें तो भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया दे दिया हुआ, वो कितना दिया हुआ है, 4/3 ml². तो जैसा कि इसके अबाउट कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के अबाउट क्या होता है, ml² / 6
ML स्क्वायर बाई सिक्स होता है किसके अबाउट, इस स्क्वायर का उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस, यानी कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्सिया MOI दैट इज ML स्क्वायर बाई सिक्स। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है कि उसके सेंटर से, इट्स सेंटर यानी सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन दैट इज 4/3 ML स्क्वायर, यानी कि ML स्क्वायर बाई सिक्स नहीं होगा, यानी कि वो आपको दे दिया हुआ है, ये गिवन है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा रोटेशन का कंसेप्ट है, हालांकि कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा उसका भी कंसेप्ट देखिए, दो तीन कंसेप्ट को एक क्वेश्चन में मर्ज किया जाता है ताकि उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन को बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया जा सके। तो वही ये दो कंसेप्ट को मर्ज किया गया है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है अपने हॉरिजेंटल के साथ। तो फर्स्ट वाला पॉइंट यही बोला है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है अपने प्लेन से, और ये जो स्क्वायर रिजिड प्लेन है PQRS, ये एक्स वाई में, और इसका जो एक्सिस है एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है और दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये जो है वाई एक्सिस से पैरेलल है, और इसका जो लेंथ है वो आपको कितना दे दिया हुआ है, इसका लेंथ जो है एल है, तो ये आपको दे दिया हुआ है। तो सिंपल सा बात है, अगर लेंथ एल है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, एल बाई टू, और एल बाई टू। और फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि टॉर्क निकालिए, वो उसके ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालिए, ओ पॉइंट के अबाउट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। तो जैसा कि हम टॉर्क के लिए यूज करते हैं एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी इसके लिए, और एम क्या होता है, एम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क अगर निकालना हो तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं हर बार की तरह, तो टॉर्क एट पॉइंट ओ दैट इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए एम क्या है, एम को कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि व्हाट इज द टॉर्क अबाउट ओ, तो ओ के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। लास्ट वाले में पूछा है कि एंगल आपको चाहिए, व्हाट द एंगल बाय विच द फ्रेम रोटेट, किस एंगल से ये फ्रेम रोटेट कर रहा है ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया 4/3 ML² है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये सेंटर के अलोंग मूव करे और उस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन दैट इज ML² बाय 6, लेकिन आपसे ये नहीं कहा है, आपसे कह रहा है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, आपको एंगल बताना है यानी थीटा का वैल्यू आपको बताना है, व्हाट इज द एंगल बाय विच फ्रेम रोटेट द एक्टिंग ऑन दिस टॉर्क, यानी इस पे जो टॉर्क लगेगा वो भी बहुत स्मॉल टाइम के लिए, डीटी टाइम, टाइम इंटरवल, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल दैट इज डीटी, एंड इट्स एक्सिस रोटेट कर गिवेन द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट पार्ट में टॉर्क पूछा है, दूसरा पार्ट में एंगल पूछा है ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या आपको मिले 4/3 ML². तो यानी कि एक बात तो कंफर्म है कि ये सेंटर के अलावा मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि सेंटर के अलावा मूव करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, ML² बाई 6, जो कि हम पहले रोटेशन में हम ये कंसेप्ट डील कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब ये वाला थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, अब आप ऐसा समझिए कि ये है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ यानी हॉरिजेंटल के साथ बना रहा है, इसका लेंथ एल है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो जो कि आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम टॉर्क निकालेंगे दैट इज एम क्रॉस बी। अब एम क्या होता है, एम होता है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ये होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज आई इंटू ए। अब आई इंटू ए क्या हुआ, यानी एम का जो वैल्यू होता है आई इंटू ए, अब आई जो कि उसमें करंट मूव कर रहा है और करंट आपको दे दिया हुआ है कि करंट इसमें जो मूव कर रहा है वो आई नॉट करंट मूव कर रहा है। अब ए क्या है, एरिया, अब इस स्क्वायर का एरिया हम निकाल लेंगे, एरिया क्या होता है लेंथ, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, तो यहां से हमारा निकल जाएगा टॉर्क जो कि फर्स्ट पॉइंट में वही पूछा है, और लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है एंगल जो कि, तो लास्ट वाल में एंगल निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, दो कंसेप्ट को मिक्स किया गया, एनालिसिस में हम आपको बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो अब
फर्स्ट पार्ट आपका टॉर्क है और दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, आपको फिर से एक बार हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री का एंगल है बना रहा है, और इसका जो साइड है, दोनों साइड यानी कि स्क्वायर का दो साइड होगा, एक लेंथ और दूसरा विड्थ। तो लेंथ जो है वो इसका जो लेंथ है या विड्थ, क्योंकि दोनों सेम ही है तो कुछ भी कहें, वो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा वाई एक्सिस के, और इसका लेंथ जो है एल है। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि आप बताइए टॉर्क वो उसके किसके, तो ओरिजिन से पास करते हुए जाए और उसके पासिंग थ्रू इट्स ओरिजिन यानी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप टॉर्क बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क हम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो हमको किसके अबाउट निकालना है, हमको टॉर्क निकालना है ओ के अबाउट, और किस फोर्स के वजह से टॉर्क निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। तो टॉर्क हमको निकालना है फर्स्ट पार्ट में, ये क्लियर है। दूसरा पार्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द एंगल एट विच द फ्रेम रोटेट यानी फ्रेम रोटेट कर रहा है एक्टिंग दिस टॉर्क, इस टॉर्क के वजह से ये रोटेट कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि आपको वो एंगल निकालना है यानी कि वो थीटा का वैल्यू निकालना है, और शॉर्ट टाइम जो कि टाइम आपको दे दिया हुआ है डीटी, वेरी शॉर्ट टाइम। एक्सिस अबाउट रोटेट अकर गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द फ्रेम MOI which is passing through its center and perpendicular to its plane that is 4/3। मतलब ये आपको दे दिया हुआ है कि z axis, अगर ये x axis है और ये y axis है तो आपको बोल दिया है कि IZ that is ML square into 4/3। तो इतना आपको दे दिया हुआ है ताकि आप ये निकाल पाएं। तो इसमें हम इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट टॉर्क निकालना है जो कि बहुत बेसिक है, और सेकंड पार्ट इसका बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको थीटा का वैल्यू निकालना है और मोमेंट ऑफ इनर्सी आपको गिवेन है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 45 डिग्री का एंगल नहीं बनाता तब मोमेंट ऑफ इनर्सी है तो डायरेक्ट आप लगा लेते हैं ML स्क्वायर बाय 6, लेकिन ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसके वजह से हमको निकालना है। तो आइए इसके हम फर्स्ट पार्ट को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पर इसका हम आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि टॉर्क निकालिए। टॉर्क के लिए हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं m क्रॉस b। तो m क्या होता है, m आपका होता है मैग्नेटिक मोमेंट, इसका वैल्यू आपको i इंटू a दिया हुआ है, यानी कि टॉर्क हमको निकालना है कि टॉर्क एट पॉइंट o पॉइंट पे हमको टॉर्क निकालना है। तो ये आपका होता है m क्रॉस b, ये आपका हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वैल्यू क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, तो इसका दो कंपोनेंट अगर देखें तो ऐसे इसको अगर हम जूम करें तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, तो ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस, और ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है और ये एंगल आपको दे दिया हुआ कि ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। सपोज डेट मैग्नेटिक फील्ड आपको कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसको हम ले लेते हैं बी नोट। आपको क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी नोट, ये तो ये आपका है कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका दो कंपोनेंट होगा क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। तो ये अगर हम देखेंगे तो बी नोट कॉस 45 आई का कॉस आई हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बी नोट साइन 45।
तो इसका दो कंपोनेंट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपका आ जाएगा sin 45। दो कंपोनेंट इसका होगा, एक एक एक्स एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरा आपका गया वाई एक्सिस की तरफ। तो ये आपका आ जाएगा बी नोट cos 45 आई प्लस बी नोट sin 45 j। ये आपका आ गया यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए 45 दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा बी नोट 1/√2 आई प्लस बी नोट sin 1/√2 j। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड। आपका फर्स्ट पार्ट कह रहा था कि टॉर्क, तो टॉर्क का वैल्यू में एम क्या होता है, एम आपका हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एम दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो कांस्टेंट करंट है, दैट इज आई नोट। यानी कि ये जो रिजिड स्क्वायर प्लेट है जिसका लेंथ एल है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट हम ब्रेक कर लिए। एक इधर हो जाएगा ये, अगर 45 डिग्री तो इसका क्या हो जाएगा, इधर कॉस कंपोनेंट और इधर क्या हो जाएगा साइन कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा cos 45 और ये हो जाएगा sin 45। बी नोट cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो करंट तो इसमें क्या हो रहा है, घूम रहा है, कॉन्स्टेंट करंट है आई नोट। अब देखते हैं एरिया वेक्टर, ये आपका क्या होता है, इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो एक तो पॉजिटिव के हो जाएगा यानी कि के एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस, और अगर नेगेटिव हुआ माइनस के हुआ तो वो उसको कहते हैं नेगेटिव जेड एक्सिस। तो दो ही होगा, तो आप अपने कंफर्टेबल के लिए ले लीजिए, पॉजिटिव के ही ले लेते हैं। आप दोनों ले सकते हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन ऑफ पेपर के यानी कि जिस पेपर में आप लिख रहे हैं उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी एरिया वेक्टर इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें या तो आप उस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपको दिख रहा है कि ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है, आपका एक्स वाई प्लेन है। तो इसके परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा जेड एक्सिस, तो या तो पॉजिटिव जेड एक्सिस ले लीजिए या नेगेटिव जेड एक्सिस, तो जो भी ले लीजिए। तो यहाँ से आपका क्या आ गया आई नोट। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया अब स्क्वायर है तो एल स्क्वायर ही होगा, साइड स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है तो साइड ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन देखें तो आप पॉजिटिव के डायरेक्शन में हम ले लिए, तो ये एक तो हो गया कि मैग्नेटिक मोमेंट आपको बहुत इजीली आ गया। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट हम ले लिए, एक एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरा वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना रहा है 45 डिग्री, यहाँ पे 45 यानी थीटा आपको दे दिया हुआ है कि ये 45 डिग्री है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका एक कंपोनेंट बी नोट cos 45 और इधर क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, इधर हो जाएगा बी नोट sin 45। तो दो कंपोनेंट है, तो अब आपका सब कुछ आ गया। तो अब टॉर्क निकालना आसान है, मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया, बी भी आ गया। अब दोनों का क्या करेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो अब इसका हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा टॉर्क का वैल्यू। तो ये आपका आ गया समझिए कि बी मैग्नेटिक, यानी बी का वैल्यू ये आ गया और एम का वैल्यू आपका ये आ गया। तो दोनों को हमको क्या करना है, लास्ट में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एम के जगह पे एम लिख दें, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया आई नोट, करंट आई नोट और इसका लेंथ क्या है एल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ हम ले लिए यानी एल स्क्वायर और ये के हो गया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी नोट बाय रूट टू कॉमन ले लेते हैं, ये आपका दोनों में कॉमन है और यहाँ पे आपका क्या है आई
प्लस जे। अब इसके साथ हम क्या ले लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं आई क्रॉस। अब इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमेशा यूज करते हैं हम जे और इधर के। तो क्लॉकवाइज सेंस में हो तो सारा पॉजिटिव, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हम क्या लेते हैं नेगेटिव। क्लॉकवाइज सेंस में अगर आई इंटू जे हो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे तो के इंटू आई फर्स्ट वाला आपका आ जाएगा के इंटू आई। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, टॉर्क एट द पॉइंट ओ, टॉर्क एट द पॉइंट ओ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई इंटू एल स्क्वायर और यहाँ पे बी नोट रूट टू। अब क्या होगा के इंटू आई, अब ध्यान से देखिए के इंटू आई, तो के इंटू आई क्लॉकवाइज सेंस में ही मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज सेंस में हो तो क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज सेंस में तो पॉजिटिव, और ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रहे तो नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज सेंस में ही मूव कर रहा है के इंटू आई, तो डेट इज जे, यानी कि फर्स्ट वाला तो सही हो गया। अब इतना ही होगा आई नोट एल स्क्वायर बी नोट बाई रूट टू मैग्नीट्यूड, यही होगा। अब डायरेक्शन क्या होगा के इंटू जे, अब के इंटू जे, तो के इंटू जे के लिए हमको जाना पड़ेगा क्या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो के इंटू जे के लिए हमको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस को लिए हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के इंटू जे दैट इज माइनस आई। तो यहाँ प्लस ले लेते हैं और यहाँ पे माइनस आई, ये आपका हो जाएगा माइनस आई। तो ये आपका आ गया टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क क्या आएगा, तो टॉर्क आपका ये आ गया। तो ध्यान से देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा जे में, और नेगेटिव आई, यानी कि ध्यान से देखिए जे तो ठीक है कि ये वाई एक्सिस है, और नेगेटिव आई का मतलब ये तो इधर कहीं ना कहीं बनेगा, तो इसके बीच में टॉर्क कहीं लग रहा है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव आई, यानी नेगेटिव आई ये हुआ और ये तो पॉजिटिव आई, यानी कि टॉर्क कहीं इस पॉइंट पे लग रहा है, इस दोनों के बीच में टॉर्क लग रहा है। ध्यान से देखिए ये आपका जे है पॉजिटिव जे, और नेगेटिव माइनस आई, माइनस आई क्या होगा ये प्लस आई है जो कि एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका माइनस आई है, तो इधर लग रहा है डायरेक्शन ये है, और दूसरा ये आपका जे डायरेक्शन है, यानी कि किस प्लेन में लग रहा है। अगर क्वाड्रेंट देखे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, तो इसमें हम क्या क्या किए, पहले हम इसका होता है फॉर्मूला एम क्रॉस बी, एम क्या होता है आई इंटू ए, करेंट इसमें आई था, एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे, तो हम क्या ले लिए जेड एक्सिस की तरफ ले लिए, एरिया इसका क्या होगा स्क्वायर प्लेट का ए स्क्वायर, तो एरिया आ गया। और इसका एम क्रॉस बी, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इसका दो कंपोनेंट लिए तो एक कॉस 45 एक साइन 45, इसका वैल्यू ये आ गया और ये इसका वैल्यू ये आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे हम रख दिए। मैग्नीट्यूड तो दोनों बी नोट बाई रूट टू था आई प्लस जे। अब पहले हुआ क्या के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई जो कि क्लियरली जे हो गया, और के, और दूसरा क्या हुआ के क्रॉस जे, तो दो कहानी था, एक के क्रॉस आई जो कि आपको क्लॉकवाइज सेंस में था तो वो तो पॉजिटिव ही आ गया जे, और के क्रॉस जे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो यहाँ पे माइनस आई आ गया। तो ये आपका आ गया टॉर्क, जो कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट। अब हमको ये दिखाना है कि जब उसमें आई जेड का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, यानी कि ये जेड एक्सिस के तरफ, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्सिया दैट शुड बी 4/3 mL². तो आप बताइए कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। आप ध्यान से देखिए, एक होता है लीनियर डिस्टेंस, तो लीनियर डिस्टेंस के लिए हम लिखते हैं हर बार एस बराबर वी टी, और जब ये एंगल से मूव करता है तब एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो टी तो आपको दे दिया हुआ कि स्मॉल टाइम आपको लेना है, अब यहां से ओमेगा का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये हम लिखते हैं जब कोई कोई भी ऑब्जेक्ट
लीनियरली वेरी कर रहा है, यानी लीनियर मोशन जब करता है तब तो हम सिंपल लिखते हैं एस बराबर वी टी। और जब वो एंगल से मूव करे तो ये क्या हो रहा है, ये एंगल से ही मूव कर रहा है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, थीटा। थीटा हमारा डिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ओमेगा क्या है उसका एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या है टाइम। जैसे यहाँ पे वी है लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या है ओमेगा, ये एज सेम है, आप इसको एनालॉजी भी समझ सकते हैं कि दोनों में सेम है। या जब हम लिखते हैं एस बराबर वी टी तो हम वो लिखते हैं लीनियर के लिए, जब उसमें लीनियर मोशन है, और जब थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी है तो हम क्या लिखते हैं वो जो है एंगुलर मोशन। तो एंगुलर मोशन है तो एंगुलर स्पीड भी होता है, बाकी तो टाइम दोनों के लिए सेम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एंगल से मूव रोटेट कर रहा है क्योंकि रोटेशन इसमें हो रहा है, और इसका टॉर्क ये लग रहा है, तो इसके वजह से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्सिया MOI वो आपको क्या दिया हुआ है, ML 4/3 ML2। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसा कि एस बराबर वी टी, एनालॉजी से समझ में आ जाएगा, एस बराबर वी टी तो वैसे ही हम यूज करते हैं थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा इन टू टी, और ये आपका होता है, ये आपका लीनियर मोशन होता है, लीनियर मोशन, और ये होता है आपका एंगुलर मोशन। तो इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो आई नॉट करंट मूव कर रहा है, इसका लेंथ आपको क्या दे दिया हुआ है, एल दे दिया हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, सो दैट शुड बी विच इज मेक्स द एंगल दिस प्लेन दैट इज 45 डिग्री। तो वो सब हम पहले देख चुके हैं। आपको क्या चाहिए, आपको थीटा का वैल्यू चाहिए, और टाइम यहाँ पे दे दिया हुआ है डेल्टा टी, यानी कि शॉर्ट टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल। उसके लिए हमको क्या निकालना चाहिए, थीटा, थीटा का वैल्यू, तो उसमें हम यूज करेंगे। और जैसा कि आपको एक चीज दे दिया हुआ इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको दे दिया हुआ है MOI विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन दैट इज IZ, ये आपको दे दिया हुआ है 4/3 ML2। अब ये 4/3 दे दिया हुआ है ML2, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि इसके अबाउट, इस प्लेन के अबाउट आपको क्या दिया हुआ है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर दे दिया हुआ है, ये जब रोटेट करेगा तो ये अगर एक्सिस को हम ले लें, दिस एक्सिस दैट इज आई, इसको हम ले लेते हैं PQ, P और R, सो PR, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है IPR, या ये जो मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्सिया है इसको हम ले लेते हैं I, और ये आपका होता है S और Q, SQ। तो आपको निकालना है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है क्या, उस प्लेन का, यानी कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि IZ जो है आपको दिया हुआ है 4/3 ML2, ये क्या दिया हुआ है, विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 4/3, और आपको क्या चाहिए, इसी प्लेन में चाहिए, यानी कि IP का मतलब क्या है कि इस प्लेन में हमको चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, तब हमेशा हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और ध्यान से देखिए, ये आपस में डायगोनल एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रहा है, तो हम हमेशा यूज करते हैं इसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जब हम रोटेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो बहुत सिंपल है कि दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता हो, सपोज डेट इसके अबाउट आपको पता है 4/3 ML2/3, ये एक्सिस आपका IZ है, और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हम इसमें हमेशा यूज करते हैं इसके अबाउट, और ये बीच का गैप आपको दे दिया होगा, इसके बीच का परपेंडिकुलर गैप, क्योंकि अगर पैरेलल है तो बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगा ना,
तो दो थ्योरम है जो रोटेशन में काम का है, बाकी कुछ भी नहीं। तो एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जब पैरेलल रहे तो बीच का पैरेलल गैप आपको चाहिए, और एक एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और दूसरे के, अब इसके आई जेड डैश के अबाउट निकालना है, ये आपका हो जाएगा आई जेड डैश। इसके अबाउट आपको पता है, बीच का परपेंडिकुलर गैप आपको पता है, और इसके अबाउट निकालना है तो क्या करेंगे, आई जेड प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि एम एक्स स्क्वायर हम इसमें ऐड कर देते हैं। एम क्या है, इसका मास है, और डी क्या है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एम एक्स स्क्वायर उसको में हम सिर्फ ऐड कर देते हैं, तो ये आपका आ जाता है। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लेकिन ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं है, इसमें हम लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए तीन प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई एंड जेड। तो तीन प्लेन आपस में जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर। तो हाँ, तब हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि इसमें पैरेलल लगेगा कि परपेंडिकुलर लगेगा। तो पैरेलल तब लगता है जब दोनों सेम प्लेन में हो, ये आप तब बात करते हैं जब दोनों सेम प्लेन में हो और एक के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और दूसरे के अबाउट आपको निकालना है और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो। तो एक के अबाउट जो पता है वो तो हो ही, और सिर्फ बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता हो, तो ये आपका बहुत इजीली वे में निकल जाता है। लेकिन जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट मिक्स कर दिया है, तो हम कंसेप्ट भी इसके इस क्वेश्चन के थ्रू आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल के बीच में डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। तो जब दो पैरेलल रहे और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, तो एक एक्सिस के अबाउट अगर आपको पता है तो दूसरे एक्सिस के अबाउट, तो आई जेड और दूसरा बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम क्या है उसका मास, मास इंटू डी स्क्वायर आप कर दें तो यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, एम ओ आई। तो ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि बहुत ईजी है। अच्छा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि एक अगर एक्स एक्सिस के तरफ है तो दूसरा वाई एक्सिस के तरफ है, तब तीसरा जो होगा वो जेड एक्सिस के तरफ होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो है सपोज दैट ये एक्स एक्सिस के तरफ नहीं है, लेकिन ये आपस में परपेंडिकुलर तो है, तो हम क्या बात किए कि तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। और लास्ट में हमको जेड एक्सिस के अबाउट हमको पता है, आई जेड के अबाउट हमको क्वेश्चन में दे दिया है, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 4/3 ml², और इस प्लेन के अबाउट हमको निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, आई पी क्यू, यानी कि आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एम ओ आई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट अबाउट दिस एक्सिस। ये एक्सिस आपका कौन सा है, आई पी क्यू पी आर, ये एक्सिस आपका क्या है, पी और आर, तो पी आर। या आपको एस और क्यू के अबाउट निकालना है, तो ध्यान से देखिए, इस प्लेन के अबाउट इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी तीन प्लेन होना चाहिए और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये रूल आप लगा सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए। तो क्या है, तीनों आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और जो जेड प्लेन है इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तब ये आपका कंसेप्ट लग गया कि तीनों एक्स वाई जेड, उसमें तीन की हम बात कर रहे हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखिए, ये इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि पी और आर आपस में परपेंडिकुलर है, एस क्यू पे परपेंडिकुलर है, और इन दोनों प्लेन पे लास्ट वाला प्लेन, क्योंकि अगर ये जेड एक्सिस में है तो जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के किसी भी पॉइंट पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर ध्यान से बात करें ये, तो ये तो इसके इस दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी आर के भी और एस क्यू के भी, क्योंकि ये जो है इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन में जितना भी पॉइंट होगा सबके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या हुआ, तीन पॉइंट चाहिए, एक्स वाई और जेड अगर यहाँ पे दिख जाए तो ठीक है, लेकिन अगर एक्स वाई नहीं भी है तब भी लग जाएगा। अब ये आपस में परपेंडिकुलर है और ये जेड एक्सिस के तरफ है, और जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट के
परपेंडिकुलर होगा ही, क्योंकि वो जेड एक्सिस में है और जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के क्या होता है, एक्स वाई प्लेन के आप समझ सकते हैं परपेंडिकुलर होता है। तो ये लास्ट में एंड जेड एक्सिस, तो ध्यान दे, देखिए पी आर और एस क्यू और जेड एक्सिस ये क्या है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हमेशा याद रखिएगा, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर तब हम इसमें यूज कर लेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया। मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ गया, समझिए कि इसका इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेन तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ही निकालना था इसमें, आपसे भले पूछ रहा था कि आप बताइए डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपसे इस क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पी आर दिस इज परपेंडिकुलर टू एस क्यू एंड जेड एक्सिस आई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू इच अदर, इच अदर आपस में तीनों परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली वी यूज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता क्या है कि अगर एक एक्स में हो दूसरा एग्जैक्टली वाई में हो तो इन दोनों का सम जो होगा वो जेड एक्सिस के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, तो ये आपका हो जाता है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई एक्स प्लस आई वाई दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का सम जो होगा, यानी ये जो आपस में प्लेन में है इन दोनों का सम जो होगा आई जेड के बराबर होगा, तो इसी कहते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होता है इसलिए इसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है इसलिए हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी कि आई एक्स प्लस आई वाई दोनों का हम जब सम करते हैं तो वो आई जेड के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा होगा, यहां पे क्या लगेंगे, तो यहां पे हम सिंपली यूज करेंगे कि यहां पे आई एक्स के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे आई पी और आर, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर दिख रहा है, आई पी प्लस आई एस क्यू, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट दिस एक्सिस, यानी कि इसके डायगोनल है, इस स्क्वायर के डायगोनल है जो कि इसके सेंटर से पास कर रहे हैं, तो आई पी क्यू और ये आपका क्या हो जाएगा एस क्यू, इन दोनों का सम जो होगा आई जेड के बराबर, और जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, तो आई जेड यहां से आपका क्या आ जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है क्या एम एल स्क्वायर, यानी 4/3 ml². अब ध्यान से देखिए ये आपस में बराबर हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए दोनों क्यों, तो बाइसिमेट्रिक, तो आई पी क्यू दैट इज इक्वल टू आई एस क्यू, अब ये बराबर क्यों होंगे, बाइसिमेट्रिक। तो सिमेट्री के थ्रू क्या हो जाएगा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा वही इसके अबाउट होगा, क्यों, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इसका मास आपको बोल दिया है कि इसका मास जो है m है, लेंथ l है, तो इसका मास टोटल, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो ये अगर इसके अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट मूव करेगा एग्जैक्टली इसके अबाउट भी उसी के, क्यों, तो बाइसिमेट्री या मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो आई पी क्यू दैट इज इक्वल टू आई एस क्यू। तो यहां से आपका आ जाएगा, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, और क्यों बराबर होगा, तो सिमेट्री के थ्रू, तो यहां से क्या हो जाएगा टू आई पी क्यू दैट इज इक्वल टू आई जेड, आई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि यहां पे हम पहले लिख देते हैं आई जेड, यानी जेड एक्सिस के अबाउट जो होगा इस प्लेन के जो दोनों को सम करेंगे, यानी एक्स का सम वाई का सम, और वो उसके जेड के सम के बराबर होता है, ये आपका हो जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये आया एस क्यू और ये आया आपका पी आर, तो दोनों का सम क्या होगा जेड एक्सिस के बराबर, और जेड एक्सिस के बराबर आपको कितना दे दिया हुआ है 4/3 ml², तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4/3 ml². ये सिमेट्री से ही आपस में बराबर हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2PQ दैट इज इक्वल टू 4/3 ml², तो यहां से IPQ का वैल्यू आपका आ जाएगा
2/3 ml². तो यानी कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकल गया, और वो भी इस प्लेन में निकला। कौन सा प्लेन में? PQASR, यानी कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम निकाल लेंगे, और उसका वैल्यू क्या आ गया? 2/3, यानी कि MOI मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट PR और SQ तो ये आपका PR हो जाएगा। इसके अबाउट यानी दोनों, आप ऐसा समझ सकते हैं, इसके अबाउट नहीं, दोनों डायगोनल के अबाउट। तो ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट SQ एंड PR इज 2/3 ml². अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, टॉर्क पता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपका आ गया, टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट पता है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ गया, तो सिंपल सा बात है, अब हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये इस क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, तो जैसा कि टॉर्क बराबर क्या होता है, I into alpha। अब I भी पता है यहाँ से आपको, टॉर्क पता है, I मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी आपको पता है। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे तो इनिशियली ये जो है स्क्वायर प्लेट वो रुका हुआ है, आप टी टाइम के बाद बता चें, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आपका हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू, अब अल्फा का वैल्यू आप ले आए यहाँ से, तो अब ये क्वेश्चन कुछ रहा नहीं, आपको टॉर्क पता है, आपको सिंपल सा बात है, टॉर्क डेट इज इक्वल टू I into alpha, ये इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एंगल से रोटेट करेगा, तो इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। आई आपको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाल लिए, इसके डायगोनल के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो डायगोनल के अबाउट रोटेट करेगा, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया का वैल्यू आप रख दें, तो यहाँ से आपका आ जाएगा I0 L² V0/√2। ये आपका क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसके रोटेशन के अबाउट, यानी कि इसके अबाउट आपको दे दिया हुआ है O के अबाउट, तो टॉर्क का वैल्यू आपको पता है, आई पता है, आई का वैल्यू आप क्या निकाल लिए हैं? 2/3, और वो इसी प्लेन में हम निकाल लिए हैं। ध्यान से देखिए, ऐसा ना हो कि टॉर्क जो है इस प्लेन में लग रहा है, और हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर हम ये वाला यूज कर लेते, यानी ml² / 4/3 ml² आ जाता, तो इसके अबाउट अगर हम यूज कर लेते, तो ध्यान से देखिए, टॉर्क जो लग रहा है ओ पॉइंट पे, वो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किसमें एग्जिस्ट कर रहा है आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड एक एक्स कंपोनेंट है, इधर आपका आ जाता था V0/√2 I, और इधर आपका आ जाता था V0/√2 J, यानी इधर एक्स एक्सिस के तरफ, यानी कि टॉर्क जो लग रहा है वो एक्स वाई प्लेन में लग रहा है, और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, IZ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, वो आपको जेड एक्सिस के तरफ दिया हुआ है, तो यानी दोनों का अलग अलग प्लेन में होगा, तो उसके वजह से अल्फा क्या सेम प्लेन में तो नहीं आ जाएगा, इसीलिए हमको क्या IZ इस प्लेन में लाना पड़ा। तो इस प्लेन में टॉर्क भी पता होगा, यानी फोर्स जिधर लगेगा एक्चुअली में एक्सेलरेशन उधर ही होगा, और फोर्स लग रहा है आपका एक्स वाई प्लेन में, और एक्सेलरेशन आपका जेड प्लेन में तो नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम क्या किए, इस IZ को IX इस प्लेन में हम निकाल लिए कि उसका वैल्यू क्या आएगा, और उसका वैल्यू आपका है 2/3 ml², बस इसमें हम यूज करेंगे। अल्फा का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू यानी एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या है, अब आपको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा का वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, तो थीटा के लिए हम यूज करते हैं जैसा कि S = UT + ½ AT² यूज करते हैं हर बार, तो इसमें हम यूज करेंगे जब ये एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर में हम यूज करते हैं, यहां तक हम ये यूज करेंगे ω(T) + ½, यहाँ पे हो जाएगा α(T²), बस यही फॉर्मूला हम इसमें भी यूज करेंगे, ये हम यूज करते थे किसमें, लीनियर में, और ये आपका क्या हो जाएगा एंगुलर में, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ωt यानी कि ωt यानी इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली है,
ये जो स्क्वायर प्लेट है इनिशियली क्या है, ये रुका हुआ है, टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से इसमें रोटेशन आएगा, रोटेशन आएगा। तो ध्यान से देखिए, तो रोटेशन तो यानी कि इनिशियली ओमेगा नॉट 0 है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू, यानी कि इसमें अगर आपको थीटा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट यानी इनिशियली, इनिशियल ये जो स्क्वायर है वो रुका हुआ है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा थीटा डेट इज इक्वल टू हाफ अल्फा का वैल्यू यहाँ से आगे गया इंटू डी टी, इस टाइम के लिए यूज किया है। तो ध्यान से देखिए, अल्फा हाफ अल्फा का वैल्यू अगर यहाँ से हम ले लें तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा इधर आपका आ जाएगा आई नोट एल स्क्वायर बी नोट रूट टू इंटू, तो ये 2/3 है, तो ऊपर 3 चल जाएगा और नीचे बचेगा 2, और ये आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर, ये अल्फा का वैल्यू है इंटू डी टी स्मॉल टाइम इंटरवल, ये आपका आ जाएगा थीटा का वैल्यू, यानी कि ये एंगुलर डिस्टेंस इसको आप कह सकते हैं, लीनियर डिस्टेंस नहीं, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस इन शॉर्ट टाइम दैट इज डेल्टा टी, तो ये आपका आ गया वैल्यू। तो ये मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क का वैल्यू लेना है तो इसका हम क्या ले लेंगे, लास्ट में मैग्नीट्यूड ले लेंगे, डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है, तो अगर हम इसकी एक क्वेश्चन में आपसे अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो नेट टॉर्क का जो वैल्यू है तो ये हम क्या ले लेंगे, जे, और माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन जे प्लस आई।